चैनल और आज की जो वीडियो है वो है वेदर से रिलेटेड। तो मुझसे क्वेश्चंस आ रहे थे काफ़ी और किया था कि कौन सा जो है वो वेदर, कैसा वेदर रहता है पुर्तगाल में। और इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पुर्तगाल में अगर आप प्लान भी कर रहे हैं आने का तो किस तरह से जो है वो, क्योंकि वेदर कुछ लोगों को सूट नहीं करता, कुछ जो है वो इश्यूज़ ये होते हैं कि हम पैकिंग कैसी करें, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए वेदर को लेके माइंड में। कुछ लोग घूमने फिरने के प्रस्पेक्टिव से आते हैं, कुछ लोग यहाँ सेटलमेंट के लिए आते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पुर्तगाल को कहा जाता है कि 365 डेज जो हमारे पूरे साल के होते हैं उसमें से 300 डेज सनशाइन वेदर है। ये पुर्तगाल का जो वेदर है ओवरऑल, कि मैं मेन लिस्बन में रहती हूँ तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिस्बन काफ़ी जो है वो वेदर के लिहाज से अच्छा है, लेकिन एक तरह से क्राउडेड एरिया है। यहाँ का जो वेदर है वो पूरे पुर्तगाल से जो है वो रिलेटेड ही है, ठीक है। यहाँ का जो बीच लगता है, जो पुर्तगाल का जो एक पूरा बॉर्डर है वो अटलांटिक ओशन से जो है वो आता है, और इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो समंदर है वो काफ़ी ठंडा है क्योंकि वो अटलांटिक ओशन है, और उसकी वजह से यहाँ पे मूनसून वेदर बहुत ज़्यादा है। मतलब मोस्टली जो है, जैसे अभी जून का मंथ है तो लिस्बन में जून के अंदर बीच में दो बार हैवी रेनफॉल हो चुकी है, और सुबह के टाइम जब बारिश होती है और उसके बाद पूरा दिन का जो वेदर होता है वो नॉर्मली ठंडा हो जाता है। और अगर रेनफॉल के हिसाब से बात करें पूरे पुर्तगाल की, तो नवंबर और दिसंबर का जो मंथ होता है, अक्टूबर के एंड से ही स्पेशली जो है बड़ी हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है और 4 मिलीमीटर तक होती है। तो नवंबर दिसंबर तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून यहाँ तक जो है वो ऑन एंड ऑफ बारिशें 2 दिन छोड़ के, हफ्ता छोड़ के हो जाती है। उसके साथ अब इसमें हमारे समझने वाली बात यह है कि वेदर जो है वो, उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी इतनी ज़्यादा है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी। जबकि यहाँ पर फैंस नहीं होते जो घर बनाए जाते हैं मोस्टली उसके अंदर, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि आपको, लोग अपना एसी लगाते हैं, ठीक है, सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी उनके पास होता है, वो उनका एसी कन्वर्टेबल हीटर होता है। सो ये वाली चीज़ भी होती है। इसके साथ हवा इतनी तेज़ होती है कि कभी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, कभी कुछ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि समंदर जो है यहाँ पर लगता है तो बहुत ठंडी हवा होती है कि अपर जैकेट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का, टूरिस्ट जो आते हैं वो ज़्यादातर जून जुलाई अगस्त में आते हैं, तो जो जुलाई का जो मंथ है वो हॉटेस्ट मंथ होता है, और वहाँ यहाँ पे जुलाई में अगर आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो 22 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, तो काफ़ी गर्मी होती है। और गर्मी इस तरह की होती है कि जो आपको इरीटेट कर दे और चुभने वाली गर्मी, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर अनप्रडिक्टेबल ऐसे हुआ कि अगर एक एरिया में आपके पास बहुत ज़्यादा, जैसे आप समंदर पे गए तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, गर्मी के साथ ठंड लग रही है आपको, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप सुबह के टाइम कहीं निकलते हैं तो आपको बहुत ठंड लगती है, या रात को या शाम में जो है वो तेज़ ठंडी हवा चलने लग जाती है, और उसी के साथ साथ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। सो इट्स अनप्रडिक्टेबल। और अगर देखा जाए कि स्नोफॉल अगर पुर्तगाल में होती है, ये भी क्वेश्चन था, तो हमारा क्योंकि एक कंपैरिजन होता है कि हम वेस्ट को जो है वो एज अ कूलर जो है वो एरिया देखते हैं एनवायरमेंट, के वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो विंटर्स ही होते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, लेकिन पुर्तगाल के अंदर जो है वो जो माउंटेनियस है, क्योंकि पूरा पुर्तगाल आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने ऊपर से पूरा व्यू दिखाया है काफ़ी ज़्यादा जगह का, तो माउंटेनियस है, इस वजह से यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं वो थिक डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे काफ़ी दफ़ा आग वगैरह भी लगती है। सो ऐसा नहीं है कि वो जो हम जहाँ रहते हैं या मेन एरिया में लोकेलिटी में वो होता है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी लोग रहते हैं क्योंकि रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेन सिटी के लोग दूर जाके भी रहते हैं, तो उनको अलर्ट कर दिया जाता है और आप वेदर जो है वो चेक करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, क्योंकि ट्रैवलिंग के पर्स्पेक्टिव से भी। अच्छा, जो स्नोफॉल है वो, जो अगर आप नॉर्थ की साइड जाएं, पोर्टो से आगे जाएं, तो सेला दी स्ट्रेला की जो जगह है, मतलब स्पेन से पहले जो जगह आती है वहाँ पे होता है, और वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि वो टॉप ऑफ पुर्तगाल कहलाता है, तो वहाँ पे कभी जाके वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, काफ़ी खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो अगर आपको स्काइंग का शौक है और विंटर्स या फिर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखनी है, तो वहाँ
उस जगह लोग जो है वो स्पेशली जाते हैं, और नवंबर से अक्टूबर के एंड से, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो है वो वहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं। लेकिन मेन लिस्बन के अंदर, पोर्टो के अंदर, फारो के मतलब अलगर्व में, और इन डिफरेंट जगहों पे जो आसपास के जो एरियाज़ हैं पुर्तगाल के, वो मेनली सनशाइन के ही होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है जैसे कि आपको बताया है। और अगर सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ देखा जाए तो पूरे पुर्तगाल में होता है, वो जनवरी का होता है, ठीक है। सो जब भी अपनी प्रैक्टिस करें आने की या फिर आप लोगों का प्लान हो आने का, तो ये मंथ्स के हिसाब से अपनी जो है वो ड्रेसिंग्स एंड एवरीथिंग जो है कैरी करने के लिए आप देख सकते हैं। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि वेदर से रिलेटेड थी। मुझसे क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा कंप्लीट इसको जो है वो आंसर दे दूँ आपको, तो आपको पता हो कि वेदर एक्चुअली कैसा है पुर्तगाल का। ट्रेन्स और ट्रांसपोर्ट और किसी भी चीज़ में कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट या कोई मसला नहीं आता, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। अगर आप पुर्तगाल से जो लिस्बन से बाहर भी रहते हैं तो सब चीज़ जो है वो बारिशों में भी सारे काम हो रहे होते हैं और सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू रहती हैं, जो आपकी जॉब की होती हैं या ट्रैवलिंग की होती है या किसी को किसी इमिग्रेशन ऑफिस जाना होता है, कोई ऑफिशियल काम होता है, इस तरह के काम भी यहाँ पे ऑन डेट ऑन टाइम होते हैं। और अगर कुछ नहीं होता तो उसकी प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मोबाइल्स में आपके नंबर्स पे, जो आपके फिक्स नंबर्स होते हैं, और इसके साथ साथ ईमेल पे आ जाती है पहले से ही। गवर्नमेंट काफ़ी अलर्ट होती है। अगर बसेस भी जो है वो थोड़ा सा डिले करती हैं या अपना रूट चेंज करती हैं तो उनकी भी नोटिफिकेशन आपको हर किसी को आ जाती है, चाहे वो बस में ट्रैवल करते हैं या नहीं करते, उनको वो नोटिफिकेशन आ जाती है। गवर्नमेंट बेसिस पे ये काम होते हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन कि अगर हम कंपेयर करें पुर्तगाल के और स्पेन के वेदर को, तो स्पेन का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है वहाँ के, और क्योंकि डेवलप्ड है पुर्तगाल से स्पेन, लेकिन रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज इन सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पुर्तगाल काफ़ी अच्छा है। इस तरह से अच्छा है कि यहाँ पे आपको स्पेन से सस्ता मिलेगा, सबको चीपर मिलेगा। स्पेन जो है वो अगर, क्योंकि वहाँ के जो है वो सैलरीज भी ज़्यादा हैं, उस तरह से लाइफस्टाइल का भी जो है वो अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, और हर चीज़ जो है वो टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, और पुर्तगाल के उसमें देखें तो पुर्तगाल इस वे चीपर देन स्पेन। सो होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आपसे जो है वो आके डिस्कस कर लेंगे। और ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है एक्सपीरियंस के बेस पे और बहुत सारे लोगों के इस वक्त जो इंटरेक्शंस हैं उनके बेस पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।